अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूँ सिद्रा मीर और मैं हूँ सबा शेख। बुलेटिन में कहेंगे खुशामदीद। सबसे पहले बात करते हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की, जिन्होंने करंटीना में SOPs के साथ इजलास की सदारत की। वज़ीर-ए-आज़म ने दो टोक कह दिया, किसी को कानून की हुक्मरानी से इनकार की इजाज़त नहीं देंगे। करप्शन ज़दा जत्थों से ब्लैकमेल होने वाले नहीं, वज़ीर-ए-आज़म ने कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखने और रमज़ान मुबारक में अवाम को भरपूर रिलीफ फराहम करने की हिदायत कर दी। रिपोर्ट करेंगे अब्बास शब्बीर। करंटीना में भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अपनी जिम्मेदारियां निभाने में मसरूफ। बनीगाला में अपनी रिहाइश गाह पर पार्टी रहनुमाओं की अहम बैठक सजाई। कहा, पहली बार ताकतवर माफिया कानून के ताबे आ चुका है, मुल्क में जंगल का कानून किसी सूरत नहीं चलने दूंगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था, स्टेट बैंक के हवाले से बेबुनियाद खबरें फैलाई जा रही हैं, हुकूमती टीम उजागर करे कि ऐसी इत्तलात में किसी किस्म की सदाकत नहीं। अपनी करप्शन बचाने के लिए मुल्क में इंतशार फैलाने वाले जत्थों से ब्लैकमेल नहीं होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने हुकूमती टीम को पूरी तवज्जो एहसास प्रोग्राम के जरिए गरीबों की मदद पर देने की हिदायत भी कर दी। कहा, पाकिस्तान अजीम फलाही रियासत बनने की जानिब कामयाबी से गामजन है। सट्टा और कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखते हुए रमजान और में अवाम को भरपूर रिलीफ फराहम किया जाए। इजलास के दौरान समाजी फासले और कोरोना SOPs की पूरी पासदारी, PDM के हवाले से तफसीली गुफ्तगू के साथ वज़ीर-ए-आज़म को कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाइयों पर रिपोर्ट भी पेश की गई। 10 का ज़िमनी इंतखाब रिपोलिंग केस में बड़ी पेशरफ। सुप्रीम कोर्ट ने 10 अप्रैल को होने वाला ज़िमनी इलेक्शन रोकने का हुक्म दे दिया। पूरे हलके में दोबारा पोलिंग का इलेक्शन कमीशन का हुक्म बरकरार। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए, अदालत इलेक्शन कमीशन के वकील को भी सुनेगी। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं शहजाद अली। NA-75 डस्का में ज़िमनी इंतखाब के लिए रीपोलिंग 10 अप्रैल को नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा हुक्म। साथ ही पूरे हलके में रीपोलिंग से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखा गया है। दौरान समाज जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स में अहम सवाल उठाए। कहा, पोलिंग के दिन कौन और क्यों ये मसाइल पैदा करता रहा? क्या एक उम्मीदवार ताकतवर था इसलिए दूसरे ने ये हरकत करवाई? लीगी उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार के वकील सलमान अकरम राजा ने दलाइल में कहा, डस्का से नौशीन इफ्तिखार के वालिद 5 बार मुंतखब हो चुके हैं, उनके खानदान का इलाके में असर व रसूख ज्यादा है। नौशीन इफ्तिखार के डस्का शहर से 46,000 जबकि PTI उम्मीदवार के 11,000 वोट थे। जस्टिस मुनीब के पूछने पर सलमान अकरम राजा ने बताया कि लापता होने वाले 20 प्रिजाइडिंग अफसरान मामूल के मुताबिक पुलिस एहलकारों के साथ निकले। इनकी वापसी गैर मामूली थी, वो इकट्ठे आए और डरे हुए थे। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा, अदालत ने इलेक्शन कमीशन के वकील को भी सुनना है, केस बेंच की दस्तियाबी पर दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। डस्का इलेक्शन मुलतवी होने के फैसले पर मरियम नवाज का रद्द अमल। ट्विटर पैगाम में कहा कि इलेक्शन मुलतवी होने पर खुशियां मनाने वाले जानते हैं कि इलेक्शन तो होना है, अवाम को वोट डालना है। मरियम नवाज ने लिखा कि क्यों डरते हो अवाम से, क्यों डरते हो वोट से, क्यों डरते हो यौम हिसाब से? इसलिए कि अवाम तुमसे बेजार हैं और वोट की पर्ची तुम्हारी जारी हुकूमत के लिए मौत का परवाना है। एक और ट्वीट में लिखा, कभी अदालत जाते हो कि अवाम को वोट और से रोक सको और कभी अदालत जाते हो कि मरियम के साथ अवाम को आने से रोक सको। 3 साल अवाम का इस्तेहसाल करने वाले अवाम में जाने से भाग गए। ये इदारे अवाम के हैं, अवाम के गैज़ो गज़ब से तुम्हें इदारे नहीं बचा सकते। सिलेक्टेड इलेक्शन से भागेगा नहीं तो कौन भागेगा? मरियम नवाज ने ट्विटर पर यह पैगाम दिए हैं और इसके साथ साथ ये भी कहा है कि अवाम से क्यों डरते हो, वोट से क्यों डरते हो, यौम हिसाब से क्यों डरते हो? इसलिए कि अवाम तुमसे बेजार हैं। तनकीद करते हुए मज़ीद वो ये लिखती हैं कि वोट की पर्ची तुम्हारी जाली हुकूमत के लिए मौत का परवाना है। एक और ट्वीट भी किया जिसमें ये लिखा कि कभी अदालत जाते हो कि अवाम को वोट से रोको, कभी अदालत जाते हो कि मरियम के साथ अवाम को आने से रोको। 3 साल अवाम का इस्तेहसाल करने वाले अवाम में जाने से भागते हैं। ये इदारे अवाम के हैं, अवाम के गैज़ो गज़ब से तुम्हें इदारे नहीं बचा सकते। सिलेक्टेड इलेक्शन से भागेगा नहीं तो कोई और कौन भागेगा? लेक्चर नहीं, सवालों का जवाब देना है। तफसीलात जानिए कुछ ही देर बाद। दूसरी जानिब मामले खुसूसी इतलात फिरदौसा शेखावान कहती हैं, आईनी जिम्मेदारी पूरी करने पर सुप्रीम कोर्ट के शुक्रगुजार हैं। जजेस ने इलेक्शन को मौखर करके इंसाफ का बोल बाला किया। इलेक्शन से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के अंदर और बाहर नून लीग का बयानिया मुतजाद है। सुप्रीम कोर्ट की क्यादत में
जो मौजूद जज साहबान ने इस फैसले को मौखर किया है। हम ये समझते हैं कि जो नून लीग का बयानिया सुप्रीम कोर्ट के अंदर उनके वकील की जबानी मौजूद जज साहबान तक पहुंचता है और जो फिर मीडिया की स्क्रीन पे आके उनकी जबान से पहुंचता है, दोनों में तजादाद हैं। इलेक्शन कमीशन पे दबाव डालने के लिए जाली राजकुमारी ने धमकियां दी और अदारों को यरगमाल बना के इस इलेक्शन को मुतनाज़ा करार दिया। हम शुक्रगुजार हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कि उन्होंने तस्वीर का दूसरा रुख भी सुना, उन्होंने दूसरे रुख को भी जांचने की अपनी आईनी और कानूनी जिम्मेदारियां पूरी की। और मरियम नवाज की नैब में पेशी से कबल पीडीएम रहनुमाओं ने मॉडल टाउन जाकर हिमायत का यकीन दिला दिया। नैब पर कड़ी तनकीद की। राणा सनाउल्ला ने आईजी, होम सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी को मुखातिब करके कहा, कोई गलत काम ना करे वरना आपकी इंक्वायरियां होंगी। अब्बास नकवी की रिपोर्ट देखिए। मरियम नवाज की नैब में पेशी से पहले सियासी सफबंदी। पीपल्स पार्टी के कमर जमान कायरा और जेयूआई के रहनुमा अब्दुल गफूर हैदरी मॉडल टाउन पहुंचे। मीडिया से गुफ्तगू में राणा सनाउल्ला ने कल की तैयारियों से मुतालिक बताया, साथ ही इंतजामी अफसरों को तंबीह भी कर दी। इस हुकूमत के ऊपर आज की रात जो है वो बड़ी भारी है, इनकी जो है वो जान निकली जा रही है और मरियम नवाज शरीफ के इनको डरावने ख्वाब आ रहे हैं। अगर इन्होंने कंटेनर रख के पूरे शहर को बंद करने की कोशिश की, इन्होंने अगर पुरअमन कायदीन और पीडीएम की जमातों के कारकुनों पर आंसू गैस बरसाई, तो फिर अमन की जिम्मेदारी जो है वो फिर इनकी होगी, वो हमारी नहीं होगी। इस मौके पर कमर जमान कायरा बोले, नैब जो कुछ कर रहा है ये एहतसाब नहीं, इमरान खान के पांव उखड़ चुके हैं। विक्टिमाइजेशन वाला अमल, हम सारे इसके खिलाफ मुतहद हैं और हम कल मरियम नवाज शरीफ साहिबा के साथ हमारे कारकुन भी जाएंगे, हम भी जाएंगे और हम कोई जंग करने नहीं जा रहे। जेयूआई के रहनुमा अब्दुल गफूर हैदरी का कहना था कि नैब के सामने पेश ही नहीं होना चाहिए, यक तरफा एहतसाब को जूते की नोक पर रखते हैं। हम एहतसाब चाहते हैं, लेकिन अगर आपने एहतसाब करना है तो फिर हुकूमत तुम्हें नजर नहीं आती। मालम जब नजर नहीं आता, बीआरटी नजर नहीं आता। पीडीएम क़यादत के मुताबिक मरियम नवाज कल सुबह 9:30 बजे मॉडल टाउन से नैब ऑफिस रवाना होंगी। कैमरामैन नदीम सादिक के साथ अब्बास नकवी, समा, लाहौर। तो एक तरफ पीटीएम के बयानात और दूसरी जानब नैब की पेशी से मुतालिक मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर कहते हैं, मरियम नवाज को नैब ने माइक्रोबायोलॉजी पर लेक्चर देने के लिए नहीं बुलाया, उन पर मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस हैं। मरियम नवाज और उनके साथी नैब को धमकियां दे रहे हैं। नुक्से अमन के पेशे नज़र ही नैब ने विफाक से रेंजेस मांगी, जत्थों के साथ पेशी जिम्मेदारी का सबूत नहीं। वो वहाँ पे इसलिए तो नहीं बुलाया गया इनसे कि उन्होंने किसी माइक्रोबायोलॉजी के ऊपर कोई लेक्चर दिलवाना है। मनी लॉन्ड्रिंग इनके ऊपर चार्जेस हैं, उसके ऊपर क्वेश्चंस करने के लिए इनको बुलाया है। पहले भी बुलाया गया था तो 600 लोगों का जत्था लेके इन्होंने हमला कर दिया था। पहले वफाकी हुकूमत को लिखा गया नैब की तरफ से उनको रेंजर्स दरकार होंगे, क्योंकि ये खुलम खुला मरियम नवाज और इनके जो हमनवा हैं वो धमकियाँ दे रहे हैं कि जी हम चर दौड़ेंगे नैब के ऊपर। तो एक नक्शे अमन का भी खदशा है और दूसरा कोरोना भी इस वक्त वबा फैली हुई है। मैं नहीं समझता ये कोई जिम्मेदारी का सबूत है कि आप सैकड़ों लोगों का जत्था लेके दफ्तर में आ जाएं। ये कौन से अनटचेबल्स हैं कि इनको बुलाने की जरूरत भी नहीं की जा सकती, इनसे सवाल की जरूरत भी नहीं की जा सकती, तो इनसे कौन पूछेगा। अब ऐसे में सवाल ये कि मरियम नवाज नैब में पेश होंगी तो क्या होगा, क्या पीडीएम साथ जाएगी, मगर सबका मौकिफ अलग अलग है। राणा सनाउल्ला ने तड़ियां लगाई, पीपल्स पार्टी ने नरम रवैया अपनाया। कमर जमान कायरा ने कहा कि साथ जरूर जाएंगे मगर जंग करने नहीं जा रहे। मरियम इंशाल्लाह नैब में आएगी इंशाल्लाह। खौफ का वो आलम है कि देखा ना जाए, कोई जंग करने नहीं जा रहे, डरते हैं एक निहत्थी लड़की से। ये मेरा एक दूसरा रूप देखेंगे। मरियम नवाज शरीफ के इनको डरावने ख्वाब आ रहे हैं, कोई जंग करने नहीं जा रहे। ये मेरा एक दूसरा रूप देखेंगे। इस हुकूमत के ऊपर आज की रात जो है वो बड़ी भारी है, कोई जंग करने नहीं जा रहे। यकीन दिलाता हूँ सिर्फ एक गाड़ी जो है वो अंदर जाएगी जिसमें मरियम नवाज शरीफ जो है वो सवार होंगे।
हमारे ऊपर ट्रस्ट करें। मैं राणा साहब की इस गुफ्तगू को सेकंड करते हुए मरियम नवाज शरीफ साहिबा के साथ हमारे कारकुन भी जाएंगे, हम भी जाएंगे और हम कोई जंग करने नहीं जा रहे, जंग करने नहीं जा रहे। अगर जमीयत उलमा इस्लाम से पूछा जाए तो इस इदारे के सामने पेश होना अपनी तौहीन होती है। सबको ये कहती हूँ मेरे साथ मैं चल के उनको ये बता दो जुल्म अब हम और बर्दाश्त नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। तो कल की पेशी के लिए इतनी तैयारी और दूसरी जानिब मरियम नवाज को नैब में कारकुन साथ लाने से रोकने की दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट ने निपटा दी। अदालत ने करार दिया ये सियासी मामलात हैं, नैब जाने और रियासत जाने। जस्टिस सरफराज डोगर ने इस्तफसार किया, नैब सियासी मामले को अदालत में क्यों लाया? नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि वो आर्टिकल 5 की अमलदारी के लिए आए हैं। जस्टिस सरफराज डोगर ने कहा आप कह रहे हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते, अदालत हुक्म दे, रियासत कहाँ है, ये आप जाने और रियासत जाने। अगर कोई गैर कानूनी काम हुआ तो आप कानून को हरकत मिला। और लीगी रहनुमा कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने आसिफ अली जरदारी को दामादों की यूनियन का ताहिया चेयरमैन और खुद को जनरल सेक्रेटरी करार दे दिया। कैप्टन सफदर की इस बात पर कहकहे लग गए। पोटो साहब का मैं इतना एहतराम करता हूँ जितना मैं एक भाई का करता हूँ। मुझसे अभी प्रेस ये तो ना करे कि मैं कोई बयान दूंगा। उनके वालिद जो हैं मैं उनका भी एहतराम करता हूं, इसलिए कि वो हमारे ताहयात दामादों के चेयरमैन भी हमारी यूनियन के और मैं जनरल सेक्रेटरी हूं, उनसे कितने रिश्ते हैं हमारे। दीगर खबरें शामिल करते हुए रुख करते हैं कराची के नश्तर पार्क का, जहां एमकेएम पाकिस्तान के यौमे तासीस पर जलसे के लिए पंडाल सज गया है और इस वक्त समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम के साथ वफाकी वजीर आईटी अमीनुल हक मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। जी खुर्शीद आलम अपडेट कीजिए, क्या कहना है अमीनुल हक का? जी हाँ बिल्कुल, कराची के तारीख़ी नश्तर पार्क में एमकेएम अपना 37वां यौमे तासीस मनाने जा रही है और जलसे की तैयारियों के वजह से कैमरामैन कासिम रईस साहब को दिखाएंगे, कुर्सियाँ लगा दी गई हैं और अब इंतज़ार है उन लोगों का, उन मेहमानों का, उन कारकुनों का जो इस जलसा गाह की रौनक बढ़ाने के लिए आएंगे। कितनी कुर्सियां लगाई गई हैं, कितने लोग एक्सपेक्टेड हैं, ये हम मालूम करेंगे। वफाकी वज़ीर आईटी अमीनुल हक हमारे साथ मौजूद हैं। हज़ारों के तादाद में कुर्सियां नश्ता पार्क में लगा दी गई हैं और हमें क्या तवक्का, हमें इस बात का तवक्का है कि माजी में जब नश्ता पार्क में जो जो जलसे हुए, हमें इस बात का याद है कि 8 अगस्त 1986 नश्ता पार्क के जलसे से एमकेएम को रोज मिला और उसके बाद हमने गालिबा 31 दिसंबर 2016 को भी यहाँ जलसा किया। हमें इस बात की पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि एमकेएम पाकिस्तान अपने माजी के रिकॉर्ड को तोड़ेगी और आज हज़ारों के तादाद में ख़वातीन, बुज़ुर्ग और नौजवान इस मीटिंग, इस जलसे में शरीक होंगे। 13 साल से सिंध की सूबाई हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध हुकूमत करती चली आ रही है, लेकिन कराची के आवाम को पानी के बूंद बूंद को तरसाया जा रहा है। कराची में ट्रांसपोर्ट का निज़ाम धर्म भरम कर दिया गया है, कराची के नौजवानों को नौकरियाँ नहीं मिल रही हैं। ठीक है, हम आपसे रात में ही पूछेंगे अमीन भाई के कितने आदमी थे, ये ज़रूर मैं पूछूँगा आपसे, लेकिन अभी से थोड़ी देर पहले सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए बीडी की टीमें यहाँ पर मौजूद थी, एंटी डेंगी स्प्रे भी यहाँ पर किया गया, इंतज़ार कारकुनों का। मुख्तलिफ रहनुमा आ चुके हैं, अरकान कौमी सूबाई असम्बली यहाँ पहुँच चुके हैं, मुख्तलिफ शोबाजात के जिम्मेदारान मौजूद हैं और अब इंतज़ार है जलसे की बाकायदा कार्रवाई का, जो कि यकीनन अब नमाज मगरिब के। और इसी हवाले से हलीम आदिल शेख के सवालात, कुत्तों के पकड़ने से मुतालिक सेक्रेटरी सिंध असम्बली के खत पर अपोजिशन लीडर बरस पड़े। हलीम आदिल शेख कहते हैं बताया जाए कि कुत्तों को कैसे मारा जाए, डीसी पकड़ेगा या फिर एसपी गोली मारेगा। हमें बताएं कि कैसे कुत्तों को मारा जाए, हमें पता ही नहीं। डीसी पकड़ेगा कुत्तों को, एसपी गोली मारेगा, म्यूनिसिपल कमिश्नर वो देगा उसको जहर देगा, कौन कुत्ते को आगे से पकड़ेगा, कौन कुत्ते को दुम से पकड़ेगा, कौन कुत्ते को बोरी में डालेगा, कौन कुत्ते को जाल में डालेगा, कौन कुत्ते को उठा के लाएगा, बताओ तो सही। निगरानी क्या करें, डीसी का काम क्या है? डीसी ने कुत्ता पकड़ना है, एसपी ने गोली मारनी है, म्यूनिसिपल कमिश्नर ने जहर खिलाना है, बताएं तो सही। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब कहते हैं कि हुकूमत कुत्तों के खिलाफ कार्रवाई करे तो जानवर से मोहब्बत करने वाले पीछे पड़ जाते हैं और अगर कार्रवाई ना करे तो बाकी लोग हुकूमत के पीछे पड़ जाते हैं। लोगों को समझना चाहिए कुत्तों से नुकसान पहुंचता है। हुकूमत कुत्तों के खिलाफ कार्रवाई करती है तो कुछ लोग जो एनिमल लवर्स हैं वो हमारे पीछे पड़ जाते हैं और अगर हम कार्रवाई नहीं करते तो बाकी लोग हमारे पीछे पड़ जाते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ थोड़ा सा मीडिया को भी अब एक अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है कि जिन लोगों को ये कुत्ते काटते हैं उनको बड़ा नुकसान पहुंचता है और अगर मकामी हुकूमत, अगर म्यूनसिपैलिटी उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करती है तो सिविल सोसाइटी को या पेट लवर्स को भी उनकी मदद करनी चाहिए, ना कि रोड़े अटकाए जाएँ।
आगे बढ़ते हैं। चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के बाद पीपल्स पार्टी के और शिकस्त का मुमकिन सामना। लीगी उम्मीदवार ने अपोजिशन लीडर के लिए मतलूबा अरकान की हिमायत हासिल कर ली। बीएनपी के दो सेनेटर्स की हिमायत के बाद नून लीग के हामियों की तादाद 28 हो जाएगी। रिपोर्ट करेंगे नईम अशरफ भट्ट। लीडर ऑफ़ दी अपोजिशन जो है वो मुस्लिम लीग नून का होगा। किसी की हार जीत के बाद इसमें कोई गुंजाइश नहीं है तब्दीली की, क्योंकि ये बात नहीं हुई थी कि कोई हार जाएगा तो ये जमात ये फैसला तब्दील हो जाएगा। सेनेट में ओपोजिशन लीडर का मिशन आमने सामने है, पीपल्स पार्टी और नून लीग। लीडर ऑफ दी अपोजिशन जो है वो मुस्लिम लीग नून का होगा। लगता है मरियम की बात सच होने वाली है, पीपल्स पार्टी के सामने नून लीग की जीत होने वाली है, क्योंकि नून लीग को मतलूबा सेनेटर्स की हिमायत मिल गई है। ओपोजिशन के 26 सेनेटर्स ने अपने सरबराह को चुनने के लिए लीगी उम्मीदवार का नाम लिख कर दे दिया है। नून लीग के 17, JUI 5, नेशनल पार्टी 2, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी और BNP के 2-2 सेनेटर्स नून लीग के हामी है। इन सेनेटर्स की हिमायत के बाद लीगी उम्मीदवार के वोट की तादाद 28 हो जाएगी। कानून के मुताबिक ओपोजिशन लीडर बनने के लिए 26 वोट दरकार होते हैं। इसाक डार के कौमी मईशत पर वार, IMF को 2016 में गलत आदाद व शुमार बताने का इंकशाफ सामने आ गया। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं शकील अहमद। लीगी दौरे हुकूमत की दो नंबरी सामने आ गई। 2016 में कर्जों पर रियासती जमानत की मद में 357 अरब रुपए कम जाहिर किए जाने का इंकशाफ। मौजूदा हुकूमत की अज खुद निशानदेही से पाकिस्तान आलमी मालियाती इदारे की बड़ी पेनल्टी से बच गया। IMF के मुताबिक मौजूदा हुकूमत की जानिब से 2019 में कर्ज प्रोग्राम के लिए 2016 के जो अदाद व शुमार फराहम किए गए वो दुरुस्त नहीं थे। सितंबर 2019 तक की कारकर्दगी की बुनियाद पर ही पाकिस्तान को पहला जायजा मुकम्मल होने पर 45 करोड़ 24 लाख डॉलर की किस्त अदा की गई थी। हुकूमती सॉवरन गारंटीज का हजम कम जाहिर करना कर्ज के मुआहदे से मुतालिक शिकों की खिलाफ वर्जी है, जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान पर जुर्माना भी आयद हो सकता था। 2016 के अदाद व शुमार में GDP के 0.9% के मसावी फर्क पाया गया, जिसकी मौजूदा हुकूमत ने बाद में खुद निशानदेही की। PTI सरकार ने IMF को कर्जों के रिकॉर्ड में मजीद शफाफियत लाने की यकीन दहानी भी करा दी। आलमी इदारे को माली साल 2021-22 के बजट में पार्लियामेंट के सामने पेश की जाने वाली नई गारंटीज के बारे में आगाह करना होगा। अब कुछ जिक्र मौसम का। स्वात की वादी मालम जब्बा में बर्फबारी के बाद हर सू सफेदी छा गई, सयाह भी खिंचे चले आए। सैयद शहाबुद्दीन की रिपोर्ट। आसमान से गिरते सफेद गालों ने मालम जब्बा का हुसन मजीद निखार दिया है। आसमान पर बादलों और धूप का हसीन इम्तिजाज, बर्फ से ढके बुलंद बाला पहाड़ जैसे जन्नत में आ गए हो। सवाद जो है पाकिस्तान का स्विट्जरलैंड है और ऊपर से मालम जब्बा इसका दिल है, तो मालम जब्बा में काफी स्नोफॉल वगैरह हुई हुई है। सयाह हसीन मौसम दिल फरेब नज़ारों के साथ साथ चेयर लिफ्ट के भी मजे ले रहे हैं। मालम जब्बा स्नो एडवेंचर के लिए आए हैं और स्नो को काफी एंजॉय कर रहे हैं इस जगह पर, और काफी बड़ा मजा आ रहा है। वेदर भी आज बहुत क्लियर है। सबसे पहले मैंने चेयर लिफ्ट लिया, उसमें बहुत साथ धूप भी और ठंडी हवा भी इंजॉय किया, बहुत मजा आ रहा है। स्केटिंग भी करने जा रहे हैं हम लोग, बहुत मजा आ रहा है। सबको कहेंगे कि आके यहाँ पर इंजॉय करें। हवा में पुरखतर मगर दिलचस्प सफर, जिप लाइन की क्या ही बात है। सयाहों की जन्नत मालम जब्बा के हुसन के जलवे, सयाह भी दिलफरेब नज़ारों के खूब मजे लूट रहे हैं। कैमरामैन परजंद अली के साथ सैयद शहाबुद्दीन, समा मालम जब्बा, स्वात। वेलकम बैक। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से सऊदी बरी अफवाज के कमांडर ने मुलाकात की है। सऊदी कमांडर से खित्ते में क़याम अमन के लिए पाक फौज के किरदार की तारीफ की। बात कर लेते हैं उस्मान खान से। उस्मान बताइए इस मुलाकात का अहवाल। जी बिल्कुल, सऊदी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल फहद बिन अब्दुल्ला जो है वो पाकिस्तान के दौरे पर है और उनकी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात हुई है। इस मुलाकात के दौरान इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर सिले तबादला ख्याल किया गया है। ISPR का कहना है कि दोनों अफवाज के दरमियान अस्करी तरबियत पर भी मशावरत हुई है। सऊदी कमांडर्स ने खित्ते में क़याम अमन और खसूसन जो अफगानिस्तान में पीस प्रोसेस है उस पर पाक फौज के किरदार की तारीफ की है और पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ अपने बरादराना ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है, आर्मी चीफ का ऐसा कहना था। और साथ ही साथ जो सऊदी कमांडर ने पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की है उस पर भी इजहार तशक्कुर किया गया है। उस्मान तफसील के लिए शुक्रिया।
मिस्र की आलमी बहरी तजारती गुजरगाह में बहरी जहाज फंसने से पाकिस्तान में एलएनजी की सप्लाई मुतासर होने का खदशा पैदा हो गया है। अब्बास शबीर से मजीद बात कर लेते हैं। अब्बास, ये बताइए कि एलएनजी कार्गो की सप्लाई कितने दिन ताखिर का शिकार हो सकती है मुमकिन तौर पर? देखिए, जो वजीर आजम को रिपोर्ट पेश की गई है उसमें ये कहा गया है कि मिस्र की जो आलमी बहरी तजारती गुजरगाह है उसमें माल बरदार बहरी जहाज के जो फंसने की वजह से एलएनजी की सप्लाई है वो मुतासिर होने का खदशा है। 30 मार्च को पाकिस्तान पोर्ट टर्मिनल के लिए शेड्यूल जो एलएनजी कार्गो है वो पाकिस्तान नहीं पहुंच सकेगा, जबकि एलएनजी कार्गो की पाकिस्तान आमद 2 दिन ताखीर का शिकार हो सकती है। पाकिस्तान में एलएनजी के अलावा दीगर पेट्रोलियम मसनूआत मुतासिर होने का कोई खतरा नहीं है। साथ साथ पेट्रोलियम डिवीजन ने तेल की सप्लाई से मुतालिक वजीर आजम को खत लिखा है जिसमें खाम तेल समेत तमाम पेट्रोलियम मसनूआत शेड्यूल के मुताबिक पाकिस्तान पहुंचेंगी, लेकिन जो मिस्र का आलमी बहरी तजारती गुजरगाह में जो माल बरदार बहरी जहाज फंसा है उससे सिर्फ पाकिस्तान में एलएनजी की सप्लाई मुतासिर हो सकती है। ठीक है अब्बास, मामले की तफसील के लिए शुक्रिया। तजावजात के खात्मे कमीशन कंटोनमेंट बोर्ड कराची भी एक्शन में आ गए। सदर लकी स्टार में तजावजात के खिलाफ कार्रवाई, पथारे और ठेले हटा दिए गए। मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे मोहम्मद अली हफीज से। अपडेट कीजिए हफीज, क्या सूरत हाल है इस वक्त? जी बिल्कुल, कराची कंटोनमेंट बोर्ड है इसमें सदर लकी स्टार में तजावजात के खिलाफ बड़ा एक्शन किया है। पथारे ठेले जो है वो हटा दिए गए, सड़क में मौजूद बड़ा सामान था उसको जब्त किया गया, जबकि सदर के अंदर ही जो है गैर कानूनी तामीरात हुई थी उसको भी जो है मिसमार की गए। ऑपरेशन के दौरान जो है पुलिस भी मौजूद थी। जो सीओ है कराची कंट्रोल बोर्ड के रिजवान काजी, उनका ये कहना है कि तजावजों के साथ भरपूर एक्शन शुरू कर दिया गया है, जहां जहां आवामी शिकायत है वहां पर एक्शन किया जा रहा है, किसी सूरत तजावजत जो है कंट्रोल बोर्ड की हदूद में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जी ठीक है अली हफीज, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। और अब आपको बुलेटिन के आखिर में बोलो इस्लामाबाद में दिखाएंगे शहर इक्तदार में कचरे के ढेर, शहरी बद इंतजामी की दुहाइयां दे रहे हैं। कहते हैं जमीन के छोटे छोटे टुकड़े भी करोड़ों रुपए के, लेकिन सहूलतें कौड़ियों की भी नहीं। समा पर खातून ने हाल दिल बता दिया। कहने को शहरे बेमिसाल, लेकिन हर तरफ नजर आता है बद इंतजामी का वबाल। मैं हूं मुजदलफा मरियम, इस्लामाबाद की रिहायशी, और मैं बात कर रही हूं सेक्टर I-14 की, जहां जमीन करोड़ों की है और सहूलियात कोड़ियों की भी नहीं। शहरी सेहत और सफाई और पीने के साफ पानी जैसी बुनियादी सहूलियात तक के लिए तरस रहे हैं। जगह जगह गंदगी के ढेर और सफाई के इंतजाम तो जैसे हैं ही नहीं। सड़कों का बुरा हाल, गलियां तक टूट फूट का शिकार। टैक्स तो I-14 के बासी भी देते हैं, फिर हमसे ये इम्तियाजी सुलूक क्यों? मैं पूछती हूं CDA के दावे और वादे आखिर कब वफा होंगे? I-14 के रिहायशियों को आखिर कब मिलेंगी बुनियादी सहूलियात? यहाँ लेंगे ब्रेक, जिसके बाद आप देख पाएंगे प्रोग्राम 7 से 8। देखते रहिए समा।